हेलो फ्रेंड्स, आप लोग तो इलेक्ट्रॉनिक काम करते हो और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक काम करने से आप लोग का पास एक सोल्डरिंग आयरन रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उस सोल्डरिंग आयरन से आप लोग कोई भी चीज़ सोल्डर कर सकते हो। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए आज मैं ऐसा एक सोल्डरिंग आयरन बनाकर लेके आया जिसका मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से कोई भी चीज़ सोल्डर कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा सोल्डरिंग आयरन कैसे बना सकते हो अपने घर पर इस वीडियो को देखकर, उससे पहले फ्रेंड्स आप लोग मेरा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट मेकिंग और रिपेयरिंग रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग मेरा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस सोल्डरिंग आयरन को बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले यूज कर रहा हूँ 8 वाट का एक एलिमेंट जो मुझे करीबन 60 रुपये का मिला। ये एलिमेंट बहुत ही तगड़ा वाला एलिमेंट है, क्योंकि इस एलिमेंट से आप लोग कोई भी छोटा छोटा काम बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ऐसा एलिमेंट आप लोग को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब मैं इस सोल्डरिंग आयरन का बॉडी बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर पीवीसी पाइप का यूज कर रहा हूँ। इसका जगह मैं आप लोग पुराना सोल्डरिंग आयरन का बॉडी भी यूज कर सकते हो, तो मेरा पास पुराना सोल्डरिंग आयरन नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर पीवीसी पाइप का यूज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक सिरिंज का यूज करने वाला हूँ। इस सिरिंज का ऊपर वाला हिस्सा को मैं हिस्को का मदद से काट लेता हूँ। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, इस सिरिंज को काटने के बाद कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अभी इस सिरिंज का ऊपर और एक होल करने वाला हूँ सोल्डरिंग आयरन का मदद से। अभी मैं यहाँ पर एक 2 पिन 6 एम्पियर का कॉट यूज कर रहा हूँ। ये बेसिकली ग्लू गन पर लगा हुआ रहता है। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा सोल्डरिंग आयरन बन के रेडी हो गया। इसको आप लोग का सामने प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग को ये सोल्डरिंग आयरन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय आए होम।